प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रभु येशु तुझे स्वरूप माजा नेत्राना सुंदर शिष्य माला तू कर तू जाच स्वरूपात रूपांतर शिष्य माला तू कर तू जाच स्वरूपात रूपांतर। आज का संदेश प्रभु के दास ओएम मैथ्यू बैंगलोर से वाटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। मुझे सुनने वाला भाइयों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह का श्रेष्ठ दाह के बारे में हम अध्ययन कर रहा है। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है, यीशु मसीह सब कुछ संभालता है, वो महिमा का प्रकाशन है, तत्व का छाप है। इब्रानियों का किताब पहला अध्याय में 1-3 में हम लोग वही पढ़ता है, उनका वचन के द्वारा उन्होंने सब कुछ संभालता है। 4 में हम लोग पढ़े हैं, स्वर्गदूत जो यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों से उत्तम टकराया। ध्यान सुनिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर के दुनिया में आया, उस समय साधारण मनुष्य के रूप में रहा। 35.5 उन्होंने अपना परमेश्वर का जो गुण अपना व्यक्तिगत जीवन के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने साधारण मनुष्य के रूप में साधारण मनुष्य बनकर, आपको मालूम है जो दिसंबर महीना जो पूरा दुनिया क्रिसमस के रूप में मना रहा, यीशु मसीह का जन्म का दिन के रूप में मना रहा है, लेकिन आपको मालूम है आज कितने धूमधाम से यह मना रहा है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जो बेतलहम जो इसराइल का एक गांव है बेतलहम, वहां जन्म लिया है तो कोई उसको पहचाना नहीं। उसको जन्म लेने के लिए जन्म देने के लिए उसका पिताजी ने जगह ढूंढा, लेकिन जगह नहीं मिला। बाइबल बताते नहीं है कि कहां पर उसका जन्म हुआ। जरूर वहां पर कोई रोड का किनारे हो सकता है, कोई मैदान में हो सकता है, क्योंकि उसको जन्म लेने के लिए जगह नहीं मिला। लेकिन जन्म लेने के बाद उस छोटा बच्चे को जो जो किनारे जो रोड का किनारे नहीं तो मैदान में रख नहीं सकता, इसलिए उसकी माँ क्या किया, उनके पास में जो कपड़ा था उसमें लपेट करके ये जगह ढूंढ रहा था। कोई जगह नहीं मिला, जन्म तो हो गया, तब तो पास में गौशाला देख लिया, गाय बैल को रखने वाला गौशाला। आपको मालूम है उसमें महक होता है, उसमें मच्छर होता है, उसमें मनुष्य को रह नहीं सकता। लेकिन इस प्रिय माँ क्या किया, पिताजी के साथ उस यीशु को जो कपड़ा में लपेट करके गौशाला में एक चरनी बनाकर चरनी में रख दिया। प्यारे भाइयों, मेरा और आपका प्रभु इस दुनिया में मुझे और आपको पाप से बचाने के लिए जब इस संसार में आया, उन्होंने अपने आप को शून्य करके आया। उस प्रभु यीशु मसीह सारा मानव जाति का पाप, हम जन्म से पापी है, कर्म से पापी है, हमें पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया। आज पाप क्षमा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, आपका जो जो पाप का स्वभाव है उससे मुक्ति पाने के लिए कहीं भी तीर्थाटन करने का जरूरत नहीं, कोई पुण्य स्थल में जाने का जरूरत नहीं, अपना शरीर को जलाने का जरूरत नहीं, आपको कोई भी प्रकार का कुछ करने का जरूरत नहीं। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना। यीशु मसीह ईसाई लोगों का परमेश्वर नहीं है। ध्यान सुनिएगा, सारा मानव जाति का आज एक गलत विचार है, यीशु मसीह ईसाई लोगों का परमेश्वर है। यीशु मसीह ईसाई लोगों का परमेश्वर नहीं, सारा मानव जाति का
लोग अज्ञानता में उसको मालूम नहीं, इसलिए बताता ईसाई लोगों का सारा मानव जाति को बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए दुनिया में यीशु मसीह का जन्म हुआ। उन्होंने सारा मानव जाति के लिए अपना जीवन क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया, मारा गया, गाड़ा दिया, तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा। ध्यान सुनिएगा, आज कोई भी व्यक्ति इस प्रभु पर विश्वास करने के लिए तैयार है, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हाँ, मैं प्राणियों का व्यक्ति जो लेखक ने क्या बताता है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर मगीमा मगिन मगीमन के दागिने जा बैठा। मतलब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, उसको दफनाया, तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन चेलों के साथ शिक्षा दिया, इसके बाद स्वर्ग में उठा लिया गया। आज पिता के दागिनी और अधिकार के जगह में, शक्ति का जगह में बैठा हुआ दोबारा आएंगे। इसलिए बता रहा 4 पद में, स्वर्ग दूतों से उतना ही उत्तम ठहराया जितना उसने उससे बेड़ा पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। आज मुझे सुनने वाला भाई लोग, मैं संदेश को समाप्त करने से पहले ये कहना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग दूतों से श्रेष्ठ है। बाप दादों के द्वारा तोड़ा तोड़ा करके वचन दिया था पूर्व युग में, भविष्य वक्ताओं के द्वारा तोड़ा तोड़ा करके वचन दिया, लेकिन इस अंतिम दिनों में, मतलब 2000 साल से आपको मालूम है, जो प्रभु संपूर्ण वचन हमें दिया है, और बाइबल बताता है यीशु मसीह सृष्टि करता है, यीशु मसीह सब कुछ संभालता अपना वचन के द्वारा, यीशु मसीह महिमा का छाप है। आपको मालूम है महिमा का प्रकाशन है। यदि परमेश्वर को जानना है तो यीशु मसीह को जानना है। ओ हमारा पापों के लिए उन्होंने जो प्रायश्चित करके आज जो स्वर्ग में विराजमान है, वही प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग दूतों से श्रेष्ठ है। प्यारे भाइयों बहनों, उस प्रभु के पास में आएंगे, आपका जीवन में शांति मिलेगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रभु को अधिक जानने के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे, सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमेन।